कोलकाता केस में एक नया मोड़ सामने आया है जिससे ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जो पूरी घटना की दिशा को बदल दिए हैं। सीबीआई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात आती है तो वहां कहानी कुछ और ही नजर आती है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक और काला सच सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में उस पर हांगकांग में मेल नर्सिंग स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। दूसरी ओर कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस घटना को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इन डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक पीड़ित डॉक्टर को न्याय नहीं मिलता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल खत्म करने की जगह डॉक्टरों ने एक और बड़ी रैली निकालने का निर्णय लिया है ताकि उनका विरोध और तेज हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके जरूरी सबूत खंगाले जाए। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। सूत्रों के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के डीएनए सैंपल पीड़िता की बॉडी पर पाए गए हैं और वे सैंपल पीड़िता के डीएनए से मेल खाते हैं। फॉरेंसिक जांच पश्चिम बंगाल की एक लैब में की गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई इन सैंपल्स को आगे की जांच के लिए एम्स और सभी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में भेजने जा रही है। सीबीआई की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर पोस्टमार्टम के वक्त का चालान कहां गायब हो गया, क्योंकि बिना चालान पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला डॉक्टर ने गुलाबी रंग का टॉप पहना हुआ था, साथ ही दो डिवाइस और एक नोट पैड उसके पास पाए गए, लेकिन नोट पैड से कुछ पन्ने गायब थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो गैजेट्स मिले हैं उन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए। इस पर महिला डॉक्टर के माता पिता ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ छेड़छाड़ की है, क्योंकि गैजेट्स पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि इन्हें जानबूझकर साफ किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी बीच डॉक्टरों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में गुस्सा है और सबसे अधिक सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोलकाता के आर जीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार शाम को ही घोषणा कर दी थी कि वे लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ इंसाफ की मांग के लिए अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय और स्वास्थ्य भवन तक एक बड़ी रैली भी निकाली। इस रैली में डॉक्टरों ने अपनी बिटिया के लिए इंसाफ की मांग की, जो हाल ही में एक दुखद घटना की शिकार हुई थी।
डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं और पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे और काम बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने डॉक्टरों से कहा कि उन्हें वापस काम पर लौटना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों में अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा और सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा डॉक्टरों से अपील की गई कि वे अपने जॉब पर वापस लौटें और काम करना शुरू करें। कोलकाता में एक महीने पहले हुए रेप कांड के बाद यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। पीड़िता के लिए न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि इस संवेदनशील मामले का निपटारा सही ढंग से किया जा सके। डॉक्टरों की हड़ताल और उनकी मांगों ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और डॉक्टरों को काम पर लौटाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात एक महिला डॉक्टर के साथ हुई भयानक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरजी कर अस्पताल के 51 ट्रेनी डॉक्टरों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अन्य डॉक्टरों को धमकाया और डराने की कोशिश की। इन गंभीर आरोपों के चलते इन छात्रों के खिलाफ जांच शुरू की जा चुकी है। सभी आरोपी छात्रों को जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद से संदीप घोष सवालों के घेरे में हैं। सीबीआई लगातार उनके काले कारनामों की परतें एक एक करके खोलने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल को विवादों के घेरे में ला दिया है और देश भर में आक्रोश फैला दिया है। दोस्तों, 2017 में छपी एक रिपोर्ट फिर से चर्चा में आ गई है। यह रिपोर्ट हांगकांग के मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित हुई थी और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस रिपोर्ट में संदीप घोष पर एक पुरुष नर्सिंग छात्र के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नर्सिंग छात्र ने शिकायत में आरोप लगाया था कि संदीप घोष ने उसकी नितंबों पर थपकी दी और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर छात्र से पूछा, आपको कैसा लग रहा है? इस घटना के बाद जब नर्सिंग छात्र ने इसकी शिकायत की तो संदीप घोष ने इसे गलत फहमी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि वह केवल यह दिखा रहे थे कि कंधे की हड्डी कैसे ठीक की जा सकती है और गलती से छात्र के नितंबों को छू लिया। पश्चिम बंगाल में ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। कुछ सदस्यों का कहना है कि उन्हें जानकारी है कि संदीप घोष को विदेश में अपनी एक यात्रा के दौरान कानूनी केस का सामना करना पड़ा था। आरजी कर अस्पताल में हो रही वित्तीय अनियमितताओं और एक महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर से जुड़े मामलों में डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। यह मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि संदीप घोष पर दो अलग अलग मामलों में जांच चल रही है। पहला मामला एक महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर का है, जबकि दूसरा मामला उनके कार्यकाल के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने उन्हें मुख्य रूप से दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन अब दोनों मामलों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में संदीप घोष की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या संदीप घोष इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। संदीप घोष को लेकर एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं, जिनसे इस बात का अंदेशा है कि वे इस मामले में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वहीं संजय रॉय, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, वह फिलहाल जेल में है
और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन संदीप घोष की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इस घटना ने पूरे मेडिकल समुदाय और आम जनता को चौंका दिया है और CBI की जांच का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।